अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज के साथ इस बात को सिद्ध कर दिया है कि कम बजट फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती है। फिल्म में दम होना चाहिए, वह दम उनकी बाबू मोशाय में था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और 5 करोड़ के बजट वाली यह फिल्म 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। अपनी फिल्म की सफलता से उत्साहित नवाजुद्दीन ने एक्सक्लूसिव बातचीत में फिल्म की कामयाबी से लेकर अपने अगले प्रोजेक्ट्स तक के बारे में बात की। हाँ, हमारी कोशिश सही साबित हो गई है। कभी किसी के कलर को लेकर इश्यू नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह कुछ अजीब लगता है। टैलेंट की कद्र होनी चाहिए, कलर कोई मायने नहीं रखता है। हमारी फिल्म एडल्ट होने की वजह से बड़ी संख्या में दर्शक वैसे ही अलग हो गए थे, लेकिन स्मॉल टाउन के यूथ ने हमारी फिल्म को हिट बनाया क्योंकि छोटे शहरों के 90% लौंडे हमारे जैसे ही हैं। यही वजह रही कि फिल्म को एमपी, बिहार, यूपी के छोटे शहरों से खूब रिस्पॉन्स मिला। फिल्म में हर तरह का मसाला भी था, इसलिए यूथ को फिल्म देखने में खूब मजा आया। एक गड़बड़ यह है कि छोटी फिल्म को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। सब यह कहकर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं कि अरे यह तो छोटी फिल्म है। समझना चाहिए कि छोटी फिल्म में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी बड़ी में। यहाँ भी लोग मेहनत करते हैं और उनका भी पैशन होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल बड़ी फिल्में भी बदल रही हैं, उनका कंटेंट भी सॉलिड हो रहा है। आप देखिए, शाहरुख गैंगस्टर का काम करने से भी झिझकते नहीं हैं। मेरा फोकस हमेशा से कंटेंट पर रहा है। अगर फिल्म का बजट 0 भी हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंटेंट में दम होना चाहिए और मेरी पसंद का हो। अब मैं फ्लेवर चेंज कर रहा हूँ। अगले 1.5-2 साल तक मैं कुछ लव स्टोरीज पर काम करूँगा। एक फिल्म रितेश बत्रा की है तो इसके अलावा 1-2 लव स्टोरी और भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।